सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो यार आज मेरे पास यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज है, तो यार छोटी सी वीडियो होने वाली है, सो यार एंड तक जरूर से देखना एंड प्लीज से इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अंकित बयापुरिया के बारे में। सो आपको पता होगा कि वो 75 डे हार्ड चैलेंज को भी कंप्लीट कर लिए हैं। भाई बहुत लोग उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और उसको एक्सटेंड कर वो 150 डेज कर दिए हैं। तो क्या वो 150 डेज को भी एक्सटेंड कर सकते हैं? तो यार एक व्लॉग में एल्विश यादव एंड अंकित बयापुरिया बात कर रहे थे, वो क्या बात कर रहे थे मैं अभी आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। छोटी सी वीडियो क्लिप है भाई, 150 से ज्यादा भी जाएगा क्या है? वो 365 भाई, एक काम हो 365 कर देते हैं, रिकॉर्ड बना 365 दिन साल के 365 से पट्टे 150 ही ना हो भाई पूरा। भाई तुम कर दोगे भाई ना, मतलब कोई और रिकॉर्ड की बात हो ना तो और कोई भी ना कर पावे 150। सही बात है भाई, 75 भी मुश्किल रहा है भाई। 75 क्या, 5 करके दिखा दो ना तुम रेडी। मतलब हमारे लिए तो भाई 2 भी मुश्किल है। या तो चलिए अब बात कर लेते हैं द UK07 राइडर की। तो आपको पता होगा कि यूट्यूबर्स के पीछे अक्सर कुछ लोग फैंस आ जाते हैं जो यार उनसे फोटोज खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन यूके राइडर ने अपने इस वाले व्लॉग में क्या कहा, उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ, मैं भी आपको प्ले करके दिखा देता हूं। कुछ लोग बाइक पे हमारा पीछा कर रहे हैं एंड दे जस्ट वांट अस कि हम लोग हाईवे के बीच में रुक जाएं। मैं हजार बारी लोगों को समझा चुका हूं कि भाई विदाउट हेलमेट तो पहले ऐसे पीछा भी मत करा करो, और रात को गाड़ी नहीं रुक सकती यार एट एनी कॉस्ट। आप कितनी दूर तक बैंकर पीछे करोगे? देखो बैंकर एक लड़का बाहर चल रहा है, दिखाना बैंकर फोन भी यूज कर रहे हैं बिना हेलमेट के, और विदाउट हेलमेट अगर गिर जाओगे ना तो चोट आपके लगेगी गाइस। हम लोग गाड़ी में, हमें गाड़ी में कुछ नहीं होगा भाई। क्या कर रहे हो भाई, गिरोगे भाई, गिरोगे भाई, गिरोगे, आपका हेलमेट भी नहीं, आप गिरोगे भाई, आप गिरोगे। या तो चलिए बात कर लेते हैं अमित बड़ाना के बारे में। तो यार आपको पता होगा बहुत टाइम से अमित बड़ाना अपने चैनल पर इनएक्टिव है, SSC प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो फाइनली उसकी रिलीजिंग कब हो सकती है? सो फाइनली उन्होंने इस वीडियो के जरिए हमें ये बताया कि वो कब रिलीज होगा, जहां पर एक घर के ऊपर बड़ा सा पोस्टर है जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि अक्टूबर डेट लिखी हुई है। सो यह हमको जल्दी देखने को मिल सकता है। सो चलिए अब बात कर लेते हैं स्पीड के बारे में। तो जब स्पीड अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तभी उनका स्पॉटिफाई अकाउंट हैक हो जाता है, और उनका क्या रिएक्शन था आप देख सकते हैं। What the f- is this? Posting your shit on my Spotify? Wasif Afridi. Who the f- is Wasif Afridi? I mean like what do I even do? Like I don't even own my Spotify. तो या तो चलिए गाइस आज के वीडियो में के लिए इतना ही था, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।